नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश पठानिया और आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज। कठुआ जिला के बसोली के सरकारी डिग्री कॉलेज में आज टीचर्स डे के अवसर पर जम्मू कश्मीर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जम्मू की तरफ से वर्तमान शिक्षा नीति व नई शिक्षा नीति विषय पर भाषण प्रतियोगिता सेवानिवृत्त प्रिंसिपल व महासचिव जम्मू कश्मीर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति डॉक्टर बीबी शर्मा की अध्यक्षता में करवाएगी। इस अवसर पर वक्ताओं ने भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है, के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर कॉलेज के प्रिंसिपल रंजीत सिंह जमवाल, डॉक्टर सतिंदर सिंह सेवानिवृत्त नोडल प्रिंसिपल, डॉक्टर ए के मल्होत्रा सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, डॉक्टर सूर्यदेव सिंह जमवाल सेवानिवृत्त प्रोफेसर मौजूद थे। पेश है इस संबंधी टीम एक्टिव न्यूज की एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मोनिका ठाकुर सेमेस्टर 5 की छात्रा। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर सनी शर्मा सेमेस्टर 3 के विद्यार्थी को आमंत्रित करती हूँ ताकि वो मंच पर आए और अपने विचार रखें। डॉक्टर बीबी शर्मा साहब आए, ये मैं एक और आपको बताते हैं, ये तीनों स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे और आज भी इन्हें देख के लगता नहीं है कि ये रिटायर्ड है, आज भी लगता है कि बिल्कुल यंग है और अभी भी ये कॉलेज में काम कर रहे हैं। इनका हॉकी में बहुत बड़ा योगदान रहा, जम्मू यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट किया, इवन स्टेट में भी रिप्रेजेंट किया और इनका भी हॉकी में बहुत बड़ा नाम चलता है। तो हमारे आदर्श मल्होत्रा जी हैं, ये इंडिया के उस टीम तक भी पहुंच चुके थे, जे एन डी को रिप्रेजेंट किया, इंटर यूनिवर्सिटी में खेला, ये रेसलिंग में सबसे नंबर वन रहे। डॉक्टर सूर्यदेव सिंह, अगर इनका बताऊं मैं तो ये बेस्ट फुटबॉलर रहे, पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से भी इन्होंने खेला, जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से भी खेला और याद भी बॉल, और इनके नक्शे कदम चलते हुए मैं भी फुटबॉलर रहा, मैंने चेस भी किया और स्विमिंग में भी मैं। और आप सबको भी बोल दूं मैं कि अगर आप भी सारे स्पोर्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहोगे मेजर गेम में, तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही यंग और ऐसे ही स्वस्थ रहोगे। सब जितने भी हमारे पास यहाँ पे बता रहे हैं, अपना बहुत टाइम निकाला, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और इस बसोली कॉलेज में आके इस हमारे आज के प्रोग्राम का इसमें शोभा बढ़ाई। थैंक यू। आपकी शिक्षा जो है उससे बिल्कुल अलग है। जब 1835 में जब ब्रिटिश यहाँ पे आए, भारत में आए ब्रिटिश, उन्होंने अंग्रेजी भाषा की शुरुआत की, परंतु 1935 तक 10% लोग भी जो थे शिक्षित नहीं हो पाए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले, कुछ सालों से पहले ये देश एक गुलाम देश था। शिक्षा का सही मतलब ये है कि हम हर तरह से अपने आप को खुद को एक मजबूत बनाएं, क्योंकि शिक्षा सिर्फ इंसान को किसी तरह की रेस में जाने के लिए कभी भी भारत में हुआ था। प्राचीन काल में शिक्षा का स्थान नगरों और शहरों से बहुत दूर वनों में गुरुकुल में होता था। कबीर दास जी ने गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए सही कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। As it is a well known saying that the education is the most powerful weapon. गुरुकुल की शिक्षा एवं आधुनिक शिक्षा प्रति अनादि काल से भारतवर्ष शिक्षा का केंद्र रहा है। इको अरदास तेरे ताई बाबा नानका, उंगली तो फड़ के चलाई बाबा नानका, ना कितने पैसे दी परत चढ़ जाए, ना मैं बंदा ही अजीब हो जावा। गुरु ने ऐसी कृपा की, गुरु जी ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। कर्तव्यों का बोध कराती, अधिकारों का ज्ञान, शिक्षा से ही मिल सकता है स्वप्न सफल। The people who live in jungle got the education from their ancestors. कि फूलों को भी होश आ जाए, महको तो ऐसे महको कि फूलों को भी होश आ जाए और ताली ऐसे बजाओ कि कलाकार को भी जोश आ जाए। अपनों को चाहो सितारे बदल जाएंगे, जरूरत नहीं होती किश्ती बदलने की, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। सत्य न्याय की राह पर चलना हमें सिखाते हैं,
सत्य न्याय की राह पर चलना हमें सिखाते हैं, जीवन संघर्षों से लड़ना हमें सिखाते हैं। If we face its roots, we will realize that our modern education system is not actually our own. शरार मित्र गो ब्राह्मण पूजा दान धर्म छिड़काइए छिड़काई किया बन्नो वेद पुराण तक पोथियां कर जुग तोड़ता आई है। गुरु पर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु नमः। अर्थात कहते हैं जीने की कला सिखाते शिक्षक ज्ञान की कीमत बताते शिक्षक ज्ञान की कीमत बताते शिक्षक। ये वाला कार्यक्रम खत्म होता हुआ अब मैं आशीष को स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ। प्लीज आशीष स्टेज पे आएं। आपने ही मुझे शिक्षा का महत्व सिखाया है, आपने इस दुनिया को अलग नजरिए से दिखाया है। कहते हैं जो बात वो दवा से ना बन सके वो बात दुआ से होती है, जो बात दवा से ना बन सके वो बात दुआ से होती है, जब मुर्शिद कामल मिलता है तो बात खुदा से होती है। शर्मा साहब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं एक हिंदी के प्रचार में, जब ये रिटायर हुए एज प्रिंसिपल तो उसके बाद में सुनता था ये क्या करेंगे, तो ये मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हिंदी जो JNT की प्रचार जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति है उसमें ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रही है। मुझे लगता है कि हर एक इंसान को तीन भाषाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक जो लोकल भाषा है हमारे कसौली में डोगरी बहुत अच्छी बोली जाती है उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दूसरी हमारी राष्ट्रभाषा का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है उसका ज्ञान होना जरूरी है। और तीसरी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा जिसको हम अंग्रेजी कहते हैं इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए तीन भाषाओं का ज्ञान मिनिमम होना चाहिए। और उन सुझावों को अच्छे सुझावों को उस शिक्षा नीति में जोड़ा जा रहा है, क्योंकि एक किसान जो परंपरा से खेती करता आ रहा है उसे अपनी खेती के संबंध में पूरी जानकारी है, वो इतना वैज्ञानिक ढंग से खेती करता है उसे पता है कि बारिश कब होगी, कितनी मुझे हल चलानी है और कितना बीज बोना है क्षेत्र के लिए। पर जो आजकल बायोटेक्नोलॉजिकल सीड्स आ रहे हैं BT सीड्स आ रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि हम अपने पुराने बीजों को भी समझ नहीं पा रहे।